रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस आज देश भर में राजभवनों का घेराव करेगी और राजस्थान के सियासी बवाल को लेकर ये घेराव किया जाएगा। 17वें दिन भी लगातार राजस्थान में सियासी ड्रामा जारी है। सीएम गहलोत ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाया था और राज्यपाल से वक्त नहीं मिलने के विरोध में ये घेराव किया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ आज देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। राजस्थान में सियासी खींचतान लगातार जारी है और उसको लेकर कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि पार्टी ने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र विरोधी और संवैधानिक कार्यों के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम के विरोध में प्रदर्शन का फैसला किया है और कांग्रेस इसे मसले को लेकर देश के तमाम राज्यों में राजभवन के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। और इस प्रदर्शन से पहले पार्टी ने एक ऑनलाइन अभियान चलाने का फैसला भी किया है। गौरतलब है कि राजस्थान में अशोक गहलोत तो सरकार राज्यपाल से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं और मुख्यमंत्री प्रोटेस्ट चाहते हैं। अशोक गहलोत अपने विरोधियों के सामने बहुमत साबित करके दिखाना चाहते हैं, मगर राज्यपाल कलराज मिश्रा ने गहलोत सरकार की मांग पर अब तक फैसला नहीं किया है। तो आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में लॉकडाउन के चलते ये विरोध नहीं किया जा रहा है, पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ की तो वहां पर ये विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ मेरे संवाददाता सुप्रिया पांडे लाइव जुड़ गई हैं। सुप्रिया, किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं और किस तरह से छत्तीसगढ़ में राजभवन का घेराव किया जा रहा है? राजस्थान में मुख्यमंत्री बनाम राज्यपाल की लड़ाई जारी है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान है वो चलाया जा रहा है, जिसके तहत कांग्रेस ने कल सोशल मीडिया पर काफी जो प्रतिक्रिया है वो जताई थी, काफी विरोध जताया था और आज कांग्रेस के द्वारा राजभवन में विरोध जताया जाएगा, राजभवन का घेराव किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के साथ ही राजधानी रायपुर में भी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो जारी है और राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन है, लेकिन जहां जहां पर लॉकडाउन है वहां पर 11 लोगों की अनुमति जो है वो मिली है। राजधानी रायपुर में भी 11 लोगों की अनुमति मिली है। तो इसी तरीके से 11 लोगों के साथ कांग्रेस आज 12:30 बजे राजभवन का घेराव करने आएगी और साथ ही लोकतंत्र का विरोध, मतलब कांग्रेस का आरोप है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरीके से आरोप है। तो तमाम जो देशव्यापी प्रदर्शन है वो आज जारी रहेगा और आपको बता दूं कि जिन जिलों में लॉकडाउन नहीं है वहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन भरपूर जो है वो जारी रहेगा और इसी तरीके से 2 दिनों का जो प्रदर्शन है वो लगातार बना हुआ है। पहले दिन सोशल मीडिया पर प्रदर्शन हुआ और आज राजभवन के सामने प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस लोकतंत्र जो राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम चल रहा है उसका विरोध जताएंगे, साथ ही पीसीसी अध्यक्ष मोहन बरकान भी इसका विरोध जताते हुए भी नजर आएंगे। जी सुप्रिया, पर इन सब में एक देखने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते थे तो उस वक्त सीएम कमलनाथ ने खुद मना किया था कि वो अभी विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते। बावजूद इसके जो राज्यपाल लालजी टंडन थे उस वक्त के, उन्होंने ये सत्र बुलाया था और सारी जो प्रोसेस है वो ही थी। और यहाँ पर मुख्यमंत्री खुद चाह रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, बावजूद इसके जो ढील है वो राज्यपाल की तरफ से देखी जा रही है। अब इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, ये जो मुद्दा है उसे कांग्रेस ने अब देशव्यापी मुद्दा बना दिया है, जिसे लेकर के कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन करने वाली है और प्रदर्शन जो है वो कल से जारी है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में भी जो है वो प्रदर्शन जारी है और इसी के तहत काफी विरोध जो है वो जताया जा रहा है। हालांकि जो राज्यपाल है उनके द्वारा थोड़ी सी जो ढील है वो दी जा रही है, मुख्यमंत्री अनुमति मांगते हैं विधानसभा सत्र की, तो राज्यपाल के द्वारा अब तक अनुमति नहीं प्रदान की गई है, जिसे लेकर के कांग्रेस में काफी नाराजगी है वो निकल कर सामने आ रही है। इसे लेकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है कि मध्य प्रदेश के साथ ही यहाँ पर भी कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त का जो मामला है वो ना हो जाए, तो इसी तरीके से कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर सता रहा है। इसी वजह से ही कांग्रेस के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जारी है और इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया है, जिसे लेकर के सुप्रिया कांग्रेस किसको खलबलाहट भी कह सकते हैं। शायद इसीलिए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रोटेस्ट हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे चल के जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश जैसी हो सकती है। क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री को कहीं ना कहीं ये डर सता ही रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश की जैसे ना हो जाए, इस वजह से जो है काफी डर जो है इनके मन में है। आपको बता दूं कि कांग्रेस जो है उनकी सत्ता जो है वो अब ज्यादा जिलों में नहीं रह गई है, जैसे कि छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, इन तमाम जिलों में ही कांग्रेस जो है वो सीमित कर रह गए हैं। तो वो अब नहीं चाहते कि और जो है उनकी सत्ता पर कोई आस है, कोई खरीद फरोख्त की जो राजनीति है वो सामने आए। तो इसी तरीके से कांग्रेस को लगातार डर है वो बना हुआ है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हालात बने, सरकार बदली, उसी तरीके से वो नहीं चाहते कि राजस्थान में भी इसी तरह का जो सियासी ड्रामा है वो शुरू हो। इसीलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये चीज का डर भी है कि कांग्रेस की सरकार को कहीं ना कहीं गिराने की जो साजिश है वो हो रही है। हालांकि जो कांग्रेस राजस्थान में बनी है वो पूर्ण बहुमत के साथ बनी है, लेकिन इसके बावजूद भी ऑपरेशन लोटस का केंद्र के द्वारा सरकार जो गिराने की जो कवायद है वो शुरू कर दी जाती है, जिसे लेकर के कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं जो डर है वो बैठा हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार विरोध भी जताती हुई नजर आई है। जी तो सुप्रिया, अब आगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि राज्यपाल की तरफ से अब आगे क्या कुछ रुख अख्तियार किया जाता है। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और मध्य प्रदेश बोर्ड की 12वीं के रिजल्ट की राह